नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा। स्वागत है आपका आपके सितारे में। पितृपक्ष की समाप्ति के साथ ही आज से पावन शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आज नवरात्र का प्रथम दिन है, तो कैसे करें माँ शैलपुत्री की पूजा, क्या है विधि विधान, ये बताएंगे आचार्य जी। और इसके साथ ही किस मुहूर्त में करें कलश स्थापना। इसके अलावा आज आचार्य जी बताएंगे कि पूरी नवरात्रि अपनी राशि अनुसार कैसे करें माँ अम्बा की आराधना। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें नवरात्र में पूजा, क्या है पूजा का सही विधि विधान? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय दुर्गे। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070, अश्विन मास चल रहा है और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष आज से आरंभ हो रहे हैं। प्रतिपदा तिथि है शनिवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है इंद्र और करण है किंस्तुग्न। और जो व्रत और त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हमारे पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में रह रहे भारतीय मनाते हैं, उसे शारदीय नवरात्र के नाम से जानते हैं, अथवा अश्विन नवरात्र और शारदीय नवरात्र आज से आरंभ हो रहे हैं। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशियों की। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेष राशि वाले किस तरीके से माँ की आराधना करें। जी, मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता ये है कि अपने व्यवसाय स्थल पर कांच या मिट्टी के पात्र में जल भर करके रखें, कुछ मीठा खा करके अपने कार्य के लिए प्रस्थान करना आपके लिए शुभकारी होगा। और कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल करके 5 सफेद पुष्प यदि आप उसमें रखते हैं और उसे समय समय पर बदलते रहें, पूरे नवरात्र में हर दिन आप बदलते रहें, और उसके साथ साथ जहां भी आपने अपने कार्यस्थल में पूजा की जगह बना रखी है, देवी का स्थान रखा है, वहां बैठ करके संध्या काल और प्रातःकाल दोनों समय में धनदाय स्रोत का पाठ करेंगे तो इस नवरात्रि में आपको बहुत अच्छी कृपा मिलेगी माँ भगवती की। आपके व्यापार कार्यक्षेत्र में, आपकी नौकरी में जो भी बाधा आ रही थी, वह बाधा, वो संकट के बादल दूर होने लगेंगे। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की, जानेंगे कैसे करें माँ अम्बे को प्रसन्न। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपने कार्यस्थल पर चमकीले एवं हल्के रंगों का प्रयोग करें। साथ सज्जा में आपको हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। कार्यस्थल पर नवरात्र में किसी भी दिन एक दर्पण ऐसी दीवार पर लगाना चाहिए जो कि बाहर से किसी व्यक्ति को दिखाई न दे, परंतु प्रवेश करते ही उस दर्पण पर दृष्टि पड़नी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो भी नकारात्मकता है, जो भी निगेटिविटी है आपके कार्य क्षेत्र में, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस में, वो दूर हो जाएगी। और दरवाजे के सामने की बजाय अगर किसी कोने में आप बैठने का स्थान बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और पूरे नवरात्रि आज से आरंभ करके श्री संकटाष्टक का पाठ करना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वाले कैसे पाएं माँ अम्बे की कृपा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अशोक वृक्ष के हरे पत्ते अगर आप लेकर के अपने प्रवेश द्वार पर, घर के प्रवेश द्वार पर और अपनी संस्था के प्रवेश द्वार पे वंदरवार बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जो भी पुष्प आप देवी भगवती को अर्पित करते हैं, उन पुष्पों के साथ उस वृक्ष के यदि कुछ पत्ते भी हों तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन पुष्प को ला करके अपने दुकान या संस्था के ऑफिस में आप रखें, अपने कार्य क्षेत्र में रखें। कार्यालय में कर्कश आवाज करने वाले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इन दिनों नवरात्र के पावन दिनों में आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे आपके कार्यक्षेत्र की ऊर्जा प्रभावित होगी और जो लक्ष्मी के आगमन का मार्ग हम बना रहे हैं वह बाधित हो सकता है। उत्तर या पूर्व की दीवार पर डॉल्फिन या पेंडुलम घड़ी की यदि आप कोई चित्र लगाते हैं, ऐसी फोटो लगाते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो पेंडुलम वाली घड़ी भी वहां लगा सकते हैं, ये अच्छे समय का सूचक होती है। नवरात्र में दुकान या संस्थान के बाहर 5
से हरे पौधे आपको लगाना चाहिए, या अगर ऐसी कोई जगह नहीं बन पा रही कि आप अपने दुकान या ऑफिस के बाहर लगा सकें, कार्यालय के बाहर लगा सकें, तो कहीं किसी भी जगह पे आपको 5 पौधे दान कर देने चाहिए और पूरे नवरात्रि में देवी लक्ष्मी की आराधना करें, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले क्या कुछ करें जिससे कि माँ अम्बा प्रसन्न हो। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल कांच के पात्र में भर करके घर अथवा दुकान के पूजा घर में आपको स्थापित रखना चाहिए। कार्य सिद्धि यंत्र नवरात्र में अपने पूजा घर में रखें और प्रतिदिन इनकी पूजा करें और इनके दर्शन करें। ऐसा करने मात्र से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पूर्णिमा को अपने दुकान के प्रवेश द्वार के दोनों ओर कुछ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए और उसके साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें। देवी दुर्गा की कृपा से हर प्रकार के कष्ट, रोग, शोक, जो भी अनिष्ट परिस्थितियां हैं वह सब दूर रहेंगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातक कैसे करें मां जगत जननी को प्रसन्न। जी बिल्कुल, सिंह राशि वाले जातक लोगों को दुकान में इस प्रकार बैठना चाहिए, बैठने की व्यवस्था ऐसे बनाएं कि बाहर से व्यक्ति को आपका चेहरा, आपका मुखड़ा न दिखाई दे, वह कोई भी व्यक्ति बाहर से आपको न देख सके, या फिर नवरात्र की अष्टमी के दिन धातु या मिट्टी का शेर जो है वह लेकर के आप देवी माता के चरणों में अर्पित करें। शेर जो है सिंह माता की सवारी है। प्रवेश द्वार पर रोली से जय माँ दुर्गे यदि आप लिखते हैं और जो हमारे धार्मिक चिन्ह है स्वास्तिक और ओम यदि आप अंकित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अंकित करने के बाद उन्हें धूपबत्ती या दीपक जरूर दिखा देना चाहिए। दुकान में प्रतिदिन आपको देवी को भोग अर्पित जरूर करना है और दुर्गा सप्तशती में एक छोटा सा सूक्त है जिसे रात्रि सूक्त के नाम से जानते हैं। रात्रि सूक्त का प्रभाव यह है कि किसी भी प्रकार के शत्रु बाधा, रोग, शोक, या जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भयभीत होता है, कष्ट से भयभीत होता है, अपने भविष्य की चिंता होती है, तो उस कष्ट को दूर करने के लिए रात्रि सूक्त का पाठ बहुत चमत्कारी माना जाता है, तो रात्रि सूक्त का पाठ अवश्य करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वाले कैसे माँ को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद पाएं। कन्या राशि वाले जातक लोगों को प्रथम नवरात्र को माँ दुर्गा का चित्र अपने दुकान या संस्थान में, अपने कार्यालय में आपको लगाना चाहिए। जो भी आपके ऑफिस का मंदिर है वहाँ पे देवी को स्थापित करें। व्यापार आरंभ करने से पहले हर दिन आपको पूरे नवरात्रों में दुर्गा चालीसा का पाठ वहाँ पर बैठ करके जरूर करना चाहिए। और इन दिनों में आपके लिए सबसे ज़्यादा हिदायत ये है कि आप किसी धातु का फर्नीचर प्रयोग में यदि लेते हैं तो वो नहीं लेना चाहिए। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग आपको स्वयं अपने यूज़ में लेना है। रॉट आयरन या अगर ऑफिस चेयर्स आपकी मेटलिक हैं तो उनको अभी फिलहाल 1 हफ्ते के लिए हटा दीजिए। दूसरे नवरात्र के दिन अर्थात कल की तिथि में आपको व्यवसाय स्थल पर अपने पूजा स्थान में गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। अपने पूजा स्थान के आसपास जहां भी आपको गौ माता मिल जाए अपने हाथ से हरा पालक आप खिलाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ अष्टमी को कन्या भोज करा करके उनका आशीर्वाद लें, हलवा पूरी दक्षिणा उनको आपको भोजन कराना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और फिलहाल कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामपुर से नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा जी अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। जी बताइए। हेलो पंडित जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरा नाम नेहा है और मैं रामपुर से बोल रही हूँ। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 अप्रैल 1990 और समय है 3:06 शाम का। ठीक है, मुझे ये जानना था कि मतलब मेरी शादी का योग कौन से समय, मतलब कौन से महीने तक है और अभी है भी या नहीं, और मेरी शादीशुदा जीवन आगे को कैसा रहेगा, क्योंकि किसी ने बताया है कि बहुत कठिनाइयाँ आने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए आपके जन्म पत्रिका के अनुसार सूर्य की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है। ये जो समय है ये आपके विवाह के लिए बहुत उचित, बहुत उपयुक्त समय है और ये 15 मई 2014 तक चलेगा ये काल आपके विवाह के लिए। इस समय में आपको भगवान श्री विष्णु की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करनी चाहिए और आपको अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों अर्थात अपने अभिभावकों को ये बताना चाहिए कि आपकी कुंडली मांगलिक है और ये जो मंगल का संयोग बन रहा है ये सप्तम भाव में ही बन रहा है।
सप्तम भाव में मंगल आपकी कुंडली में शनि के राशि में स्थित है। ऐसी परिस्थिति में जिसने भी आपको ये बताया कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत तनावग्रस्त रहेगा, यह बात बिल्कुल ठीक उन्होंने बताई है, बिल्कुल उचित बात कही है, क्योंकि मंगल और शुक्र का संयोग सप्तम भाव में शनि की राशि में बहुत शुभ नहीं होता, खासतौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन साथी के विषय में, दाम्पत्य जीवन को लेकर के। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार मंगल दोष की शांति करा लेते हैं, आप मांगलिक हैं, मांगलिक से विवाह करें, मंगल दोष की शांति के उपरांत विवाह करना चाहिए। साथ ही शुक्र जो है वह अच्छे वैवाहिक जीवन का एक बहुत बड़ा कारक होता है, तो शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब हम जानेंगे कि तुला राशि वाले किस तरीके से मां की आराधना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जी बिल्कुल, तुला राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्र में आवश्यकता है कि अपने कार्यक्षेत्र में, कार्यस्थल में, संस्थान के मध्य भाग में आपको बैठना चाहिए। अपने बैठने का स्थान आप कार्यक्षेत्र के बीच में बना लेते हैं इस हफ्ते के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा आपको। आपको करना यह है कि 7 श्रीफल अर्थात 7 नारियल लाल वस्त्र में बांध करके कार्यस्थल में उस अलमारी में रखें जहां पर आप अपने जरूरी कागजात रखते हैं या जहां पर आप धन रखते हैं। ये प्रयोग आपको अष्टमी तिथि को करना है। उस अलमारी में आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप ये 7 नारियल रखेंगे तो जब तक अष्टमी, नौमी, दशमी को ये नारियल रहेगा तब तक आपको उसमें, उस अलमारी में और कुछ सामान नहीं रखना है। शुक्रवार के दिन से आरंभ कर करके आपको सुगंधित पुष्प ला करके अपने पूजा स्थल में देवी को अर्पित करना है। माँ दुर्गा का दर्शन करके घर के आसपास जो भी देवी का स्थान हो, मंदिर हो, वहाँ जाएं, मत्था टेके, और उसके बाद आप अपने ऑफिस और दुकान अगर आकर के खोलते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दुकान में सजावट का व स्वच्छता का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इन दिनों में। लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लेना तुला राशि वाले जातक लोगों को बहुत अच्छा लाभ देगा इस पूरे नवरात्रि में। और चलिए अब जान लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले माँ की कृपा कैसे प्राप्त करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को नवरात्र के प्रथम दिन अर्थात आज आपको करना यह है कि मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से आप स्वास्तिक बनाएं। सिंदूर से स्वास्तिक बनाने के लिए आप तिल का तेल, चमेली का तेल या देशी घी का प्रयोग कर सकते हैं सिंदूर को घोलने के लिए। दुकान के मंदिर में नवरात्र का जो प्रथम मंगलवार और जो इस नवरात्र में शनिवार पड़ेगा उसमें आपको लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन अर्थात आज कार्यस्थल पर आते समय जो आपके परिवार के या आपके जो सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका आप आदर और सत्कार करते हैं, ऐसे किसी पूज्य व्यक्ति का, गुरु का, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के चरण स्पर्श करके यदि आप अपने कार्यक्षेत्र आते हैं, कार्यस्थल पर आते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आपको करना यह है कि इस नवरात्र से आरंभ करके लगातार 8 मंगलवार अपने कार्यस्थल में गंगा जल लेकर के किसी पात्र में पुष्प द्वारा उसका छिड़काव करें। अपने पूरे कार्यस्थल में, अपने पूरे ऑफिस में आपको ये छिड़कना है और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करना है, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कितनी भी निगेटिविटी, कितना भी नकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पे वास होगा वह सब दूर हो जाएगी। और धनु राशि के जातक कैसे माता की कृपा प्राप्त करें, अब ये बताएंगे आचार्य जी। धनु राशि वाले जातक लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में धन रखने के स्थान पर अर्थात कोषागार में सफेद चंदन की लकड़ी हल्के गुलाबी रंग के मलमल के कपड़े में लपेट करके यदि आप रखते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस नवरात्र की तृतीया तिथि पे दुकान के मंदिर में गाय के दूध से बने हुए घी में छोटी इलायची डाल करके यदि आप दीपक जलाते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बैठने के स्थान पर आपकी पीठ के पीछे जो है पूजा का स्थान न हो। आप जब भी पूजा के इस तरफ पीठ करके बैठेंगे तो उतना ज़्यादा आप देवी को नाराज़ करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके समक्ष आपको बैठना, यानी अपने समक्ष आप अपना मंदिर रखें, इस नवरात्र में ऐसी व्यवस्था करें। मुख्य द्वार के सामने भी आपको नहीं बैठना है। और नवरात्र में जो गुरुवार पड़ेगा उस गुरुवार के दिन पीले पुष्प आप अपने घर के पूजा स्थल में, अपने ऑफिस के पूजा स्थल में और जहाँ भी, जिस मंदिर में आप अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ भी पीले पुष्प आपको अर्पित करने हैं। गाय को अपने हाथ से रोटी और गुड़ खिलाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
धनदा यंत्र अपने व्यापार स्थल पर रखें और नवरात्र भर उनकी पूजा स्थापना करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसके साथ साथ सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे आपको बुद्धि विद्या विवेक और धन की प्राप्ति होगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वाले कैसे माँ को प्रसन्न करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता यह है कि नवरात्र का आज पहला दिन है, आज यदि आपके सामने कोई भिक्षुक आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई याचक आए, तो उसे आपको नाराज नहीं करना, उसे काली तिल जो है एक मुट्ठी जरूर देना है, उसके साथ आप कुछ दक्षिणा जो अपनी तरफ से देना चाहते हैं वो दें। घोड़े की नाल मुख्य द्वार पर शाम के समय यदि पीपल के वृक्ष को स्पर्श करा करके आप यू शेप में लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये उपाय आपको आज ही कर देना चाहिए, घोड़े की नाल वाला, इससे आपकी सुरक्षा होगी, व्यापार स्थल की सुरक्षा होगी। व्यापार यदि आपका बहुत ज़्यादा मंदा हो गया हो तो आपको आज करना ये है कि मिट्टी के घड़े पर ढक्कन लगा करके बंद करके दुकान में रख दें और उसके बाद बुधवार प्रातःकाल उसे बहते हुए जल में बगैर ढक्कन खोले हुए प्रवाहित कर दें और देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस कलश को प्रवाहित करने से जितने भी दुर्भाग्य की स्थिति थी वह आपके कार्यस्थल से दूर हो जाएगी। और चलिए अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातक किस तरीके से मां को प्रसन्न कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को इस नवरात्र में आवश्यकता यह है कि कार्यस्थल में इस प्रकार से बैठें कि आगे का स्थल खुला हुआ हो, यानी बहुत बंद कमरे में आपको नहीं बैठना है, बैठने के स्थान पर कोई कोना या बंद दरवाजा ना हो, आपको ये भी ध्यान रखना है। आज आपको करना यह है कि मिट्टी के कुल्हड़ पर मिट्टी का ही एक ढक्कन रखें, उस ढक्कन में कम से कम 250 ग्राम काले तिल रखना चाहिए और कल यानी अगले दिन आपको इस कुल्हड़ को तिल के सहित, उस ढक्कन के सहित किसी व्यक्ति को दान कर देना है या पीपल के वृक्ष के पास रख करके चले आना है, चुपचाप पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अपने दुकान की साज सज्जा में, सजावट में लाल व सफ़ेद रंग का प्रयोग आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। आज यदि आपके दुकान पर कोई भिखारी आता है तो उसे खाली हाथ में लौटाएं, उसे इतनी दक्षिणा अवश्य दें जितना आप उचित समझते हैं कि एक व्यक्ति को भोजन एक समय का अवश्य मिल जाए, जितनी आपकी समझदारी हो एक समय के भोजन के लिए उतनी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। साथ ही साथ धनदा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। और अब बारी है मीन राशि वालों की, जानेंगे कैसे वो माँ को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज कार्यस्थल पर जाने से पूर्व परिवार के वरिष्ठ व पूज्य व्यक्ति का चरण स्पर्श करना चाहिए व कार्य सिद्धि यंत्र के दर्शन करके यदि आप घर से निकलते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नवरात्र में जो गुरुवार पड़े उस दिन पीला फल ला करके कार्यस्थल के पूजा घर में देवी को अर्पित करें, दूसरे दिन उस फल को किसी भिखारी को दान कर देना चाहिए। गुरुवार के दिन कार्यस्थल पर आए हुए साधु को दान अवश्य करें, उन्हें आपको रुष्ट नहीं करना है, नाराज नहीं करना है। सफ़ेद चंदन को पीले वस्त्र में बांध करके नवरात्र की नवमी की तिथि में दुकान के धन रखने के स्थान में, यानी दुकान में जहां आप कैश रखते हैं गल्ले में, वहां आप रखें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और नवरात्र में ही जो बुधवार पड़े उस दिन आपको पीला पपीता किसी गरीब व्यक्ति को दान करना है। और आज की तिथि में आपको क्या करना है ये भी समझ लीजिए। आज आपको करना ये है कि सफ़ेद कपड़े का एक झंडा बना करके पीपल के वृक्ष पर यदि आप लगा देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और चलिए अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, हम लोग नवरात्र में देवी की, भगवती की कृपा प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। तो कृपा प्राप्त कैसे होती है? कृपा प्राप्त करने का जो सबसे पहला चरण यानी फर्स्ट स्टेप है वो देवी के आवाहन का स्टेप है। और वो आवाहन कैसे होता है? जब आप कलश स्थापित करते हैं। कलश स्थापना के लिए हमारे शास्त्रों में मुहूर्त का जो विधि विधान बताया गया है वह बहुत आवश्यक है। यदि आपने अच्छे समय में मुहूर्त स्थापित, कलश स्थापित किया अच्छे मुहूर्त में, तब माँ भगवती की कृपा आपके घर में रहती है। और इसीलिए कहते हैं कि आपको कलश स्थापना ऐसे मुहूर्त में करना चाहिए जिसमें लक्ष्मी का वास या देवी की कृपा आपके परिवार पर चिरकाल के लिए बने। तो आइए जानते हैं कि इस बार शारदीय नवरात्र में कलश स्थापना के लिए कौन कौन से मुहूर्त सबसे ज़्यादा प्रमुख है। माँ भगवती की पूजा और साधना करने के लिए नवरात्र का ये जो पक्ष है बहुत ही शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक शारदीय नवरात्र होते हैं। इस वर्ष जो है शारदीय नवरात्र 5 अक्टूबर अर्थात आज से आरंभ होकर के 13 अक्टूबर तक चलेंगे। यह शारदीय नवरात्रि पर्व संपूर्ण भारत में ही नहीं, हमारे विदेशों में रह रहे जो भारतीय भाई बंधु हैं उनके बीच में भी बहुत श्रद्धा, आस्था और उत्साह, विश्वास के साथ मनाया जाता है। नवरात्र की पूजा जो है उसकी शुरुआत जो होती है प्रथम दिन घट स्थापना से की जाती है।
जो लोग अपने यहाँ कलश स्थापना करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो पूरी श्रद्धा आस्था और विश्वास के साथ कलश स्थापना का संकल्प करें और उसके नियम का पालन करें 9 दिन तक। इस वर्ष घट स्थापना के कई सारे मुहूर्त आ रहे हैं, जिनमें से सबसे पहला शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 6:19 से सुबह 7:14 तक है, यानी 6:19 से सुबह 7:14 तक का ये पहला सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। दूसरा जो श्रेष्ठ समय है वो है सुबह 8:05 से प्रातःकाल 9 बजे तक, ये दूसरा बहुत शुभ मुहूर्त है। उसके उपरांत दोपहर का भी एक समय है, जो लोग सुबह ना कर सके वो दोपहर में 12:03 से 12:50 के बीच में करना आपके लिए सर्वोत्तम है, शुभ है और ये आपको विशेष फलदायी होगा। और इस दिन यदि चौघड़िये के अनुसार घट स्थापना करना चाहते हैं तो शुभ चौघड़िया प्रातः 7:51 से सुबह 9:19 तक रहेगा, आप इसके बीच में भी स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना के लिए जिस तरीके से मैंने बताया, विशेष लग्न जिसे स्थिर लग्न कहते हैं, स्थिर लग्न में स्थापित करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जिससे आपको स्थिर लक्ष्मी की कृपा मिलती है और देवी की स्थिर कृपा मिलती है। अब मैं आपको बता दूं कि स्थिर लग्न कब आ रहा है पूरे दिन में। आज स्थिर लग्न वृश्चिक लग्न प्रातः 9:35 से आरंभ होगा, जो 11:50 तक रहेगा, इस बीच में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। राहु काल में स्थापना नहीं करना चाहिए, ज्योतिष के अनुसार राहु काल को अशुभ माना जाता है एवं ऐसा मानते हैं कि इस काल में किया गया कार्य अशुभ फल देता है, तो राहु काल में कलश स्थापना करने से बचें। अब बात कर लेते हैं कि पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, तो माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। मान्यता ये है कि देवी शैलपुत्री यदि प्रसन्न हो जाएं तो भवन भूमि व अचल संपत्ति और मान सम्मान में वृद्धि करती हैं। माँ भवानी का पहला रूप है माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री शक्ति की देवी हैं, शक्ति का स्वरूप है। माँ शैलपुत्री वो देवी हैं जिनके नाम मात्र से ही बड़े बड़े राक्षस कांप उठते हैं। देवी शैलपुत्री की उपासना से सारे संसार को वश में किया जा सकता है। वह शैलपुत्री जिनके सामने इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो टिक सके, उनकी कृपा बहुत ज्यादा आवश्यक है। माँ शैलपुत्री हिमालय की बेटी हैं, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री को हिमालय की तरह ही शक्ति का स्वरूप माना जाता है। माँ का शैलपुत्री स्वरूप मानवों को पर्यावरण संतुलन की ओर प्रेरित भी करता है, प्रकृति की रक्षा की ओर अग्रसर करता है। आइए अब जानते हैं सर्व बाधा निवारण कौन सा मंत्र है जिसका जाप आज की तिथि में आप माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। यह मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र का जाप किसी भी साधक को नवरात्रि में आज की तिथि में करना चाहिए। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि इस शारदीय नवरात्र में और देवी भगवती के अलावा और किन किन देवी देवताओं की पूजा की जा सकती है। तो नवरात्र में माँ दुर्गा के साथ साथ भगवान श्री राम हनुमान जी की आराधना बहुत ज्यादा विशेष फलदायी बताई गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस नवरात्र में नवान पारायण करते हैं, यानी रामचरितमानस का पाठ पूरे 9 दिन के अंदर पूरा करते हैं। इस नवरात्र में सुंदरकांड रामचरितमानस का पाठ करना या अखंड रामायण का पाठ करना किसी भी साधक के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। इससे शत्रु बाधा दूर होती है, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। नवरात्र में विधि विधान से माँ का पूजन करने से हर कार्य सिद्ध होते हैं और चित्त को मन को शांति प्राप्त होती है। तो आज आचार्य जी से हमने जाना कि किस तरह से माँ की आराधना करें ताकि हमें कृपा प्राप्त हो माँ की और हमारे घर में सुख समृद्धि आए, शांति बनी रहे। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। जय दुर्गे, शिव दुर्गे। और आज आपके सितारे में इतना ही, कल फिर हम आपसे मिलेंगे। फिलहाल दें इजाजत।